हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और मैं अभी आ रहा हूँ बाजार से। सो मैं ना बाजार गया तो कैमरा वैमरा लेके नहीं गया था, अपना फ़ोन लेके नहीं गया था क्योंकि मैं फ़ोन घर ही में भूल गया था। एंड मैं बाजार से जो अपनी जीन्स ली थी मैंने फिटिंग के लिए वो लेके आया हूँ। तो एक जो लेंस मंगवाए थे वो लेंस आ गए मेरे, तो सब लेंस हैं सब। मम्मी किचन में है, हमारे लिए मैक्रोनी बना रही है एंड खाना बना रही है, पुलाव बना रही थी तो मैं देखा हूँ पहली। सो मैं आपको भी दिखा दूंगा अभी। और मौसम हो रहा आज अच्छा, बहुत दिनों बाद धूप नहीं है और धूप नहीं आज। सो अच्छा लग रहा बहुत, क्योंकि धूप में बाहर जाने में भी दिक्कत होती है, तो आज धूप नहीं है तो अच्छा हुआ मेरा बाहर जाने का, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड मैं आराम से आ गया, क्योंकि धूप होती तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ एंड जल्दी जल्दी वापस आ जाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऋषभ की उन्होंने क्लासेस एंड मम्मी ये सब में घर में खाना बना रही है आपको। लो ऋषभ बुला रहा मेरे को, भी जाके देख। हाँ सो ये देखो, आप देख सकते हो ऋषभ का टाइम चार्ज हो रहा है अभी। एंड ये रही हमारे बना रही खाना यहाँ पे, बहुत दिनों बाद मम्मी आज मैक्रोनी बना रही है। सो मैं निकल लेता हूँ किचन से बाहर, क्योंकि किचन में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं अभी आप हेयर देख सकते हो, एयर कंडीशन आप कैसी लग रही है सब कमेंट बता सकते हो। एंड मुझे आज बाहर गैलरी में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम जिस हिसाब से हो रहा है बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं अभी मिलता हूँ। तो गाइस अभी लग चुका हमारे यहाँ पे खाना, और खाने में हमारे मैक्रोनी जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ छत पे, क्योंकि ऋषभ और उड़ा रहे छत पे पतंग। तो अभी मैं छत पर जा रहा हूँ और अभी हम गेम वेम भी खेल पाए, क्योंकि मेरे को आ गई थी नींद, अब मैं सीधा जब भी उठाऊँ तो ये ऋषभ ऊपर ही है। सो मैं छत पर पहुँच चुका हूँ एंड धूप तो हो ही रही है यहाँ पे, धूप हो रही है यार यहाँ पे, मुझे लगा धूप नहीं हो रही होगी जब उड़ा रहा हूँ पतंग। तो क्या यहाँ पे क्यों उड़ा रहा है लाइद अल्लाह मैं उड़ाता हूँ, किधर की हवा, उस वाली छत पे आ जा, इस वाली छत पे बैठते आराम से अपना, क्योंकि इधर ना इधर धूप नहीं होती, इधर बढ़िया है। दर तो भाई साहब बंदा तो उस दर तो भाई इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उधर। सो गर्मी कह रहा हूँ मैं, धूप आ रही है इस छत पे नहीं इतनी धूप, पर उस बट उस छत पे बहुत है। और सब ये यहाँ पे है क्या कर रहा है, और तो नीचे क्यों गया था अभी नीचे तो ये आया हुआ अभी 4-5 बजे का, 4:30-4 बजे का आ गया छत पे, और अभी तक 5 बजे का आया हुआ, 6 बजे अभी तक पता की नहीं उड़ी भाई उनकी। तो हवा नहीं चल रही है, तो अभी मैं उड़ा के देता हूँ इसे पतंग। अभी मैं गया तो अभी मैं 5 बजे आया था, तो फिर बारिश लग गई हल्की हल्की, अब गिरने लग गई, फिर बैठ गया तो मैं ऐसे पतंग उड़ा के देता हूँ 1 मिनट में, फिर करता हूँ ब्लॉगिंग। तो मैंने अभी उड़ा दिया पतंग ऋषभ के लिए, तो इसने फिर से नीचे गिरा दिया, तो ये रही पतंग उड़ रही है यहाँ पर। तो मैं एक हाथ से कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, एक हाथ से पतंग पकड़े से इसे पकड़। तो उस छत से पतंग नहीं उड़ रही, तो हमें इस छत पे आना पड़ गया धूप वाली छत में वापस से, और उस छत पर ये दीवार आई थी बीच में, तो इस वजह से हवा उधर की तरफ की है। तो हम इधर की तरफ से उड़ाएंगे पतंग को हम, तो मैं उड़ाता हूँ पतंग। तो वो पतंग तो उड़ नहीं रही थी, वो पतंग उड़ी नहीं रही है, मतलब बेकार हो गई पूरी। तो हमने उसे ऐसी तार में लिपटी थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तार में लिपटी तो हमने उसे तार में छोड़ दिया, हमने छोड़ी सही उड़ी नहीं रही, क्या फ़ायदा उस पतंग का, यादगार तो बनी रहेगी ना तार पे। ये देख सकते हो ये जो तार में लिपटी हुई है। तो अभी ऋषभ लेने गया इधर से नीचे से दूसरी पतंग,
रूम में से, तो पतंग ये आ रहा दूसरी, तो दूसरी पतंग उड़ाएंगे। एंड मेरे पसीने बहुत आ रहे हैं, धूप में निकलना चाहता था पर आना पड़ गया। एंड अब पतंग उड़ाएंगे, तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ जब तक। पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी भी देख लो आप, देख सकते कितने पसीने आ रहे हैं। मैं तो बैठ गया हूँ नीचे। एंड मेरी चप्पल आज भाई लेके चलेगा, तो मैं मम्मी की चप्पल पहनी हुई है मैंने, और ये मेरा आ भी नहीं रही है पैरों पर पूरी। सो पैरों पर पूरी आ भी नहीं रही है, तो अभी 6:30 हो गए होंगे अभी तक टाइम, और 6:30 भी धूप नहीं जा रही। पता नहीं सर्दियां कब आएगी यार, सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है, सर्दियों में तो इसके मजे हैं, सर्दियों में मजा आता है। तो आज की हमारी दूसरी पतंग बनने वाली, और यार ये ऑटो था कि क्या था, बवंडर था, थाला भाई जो कितना था, इतने वो करके चलेगा। तो ये पतंग को उड़ाते हैं, फिर मैं करता हूँ बातें। तो फाइनली हमारी पतंग उड़ चुकी है, और मैं बैठ गया हूँ और सब उड़ा रहा पतंग, और ऊपर हमारी पतंग है, शायद आपको दिख रही हो, क्या पता, आप देख सकते हो और ये पतंग। तो मैंने पतंग उड़ा कर दे दी सबको, और वो वाली पतंग खराब थी, इस वजह से वो उड़ी नहीं, पहले तो उड़ गई थी मुझसे, बट फिर यहाँ पे ऊपर छत में जो हम पीछे छत में थे, तो इस सारी छत पे जो ऊपर वाली छत है उस पर लग गई, तो वो इस वजह से ना फट गई थी कागज की थी, तो उस वजह से उड़ नहीं पाई। तो हमने इधर आके वाली पतंग उड़ाई है, तो ये वाली पतंग उड़ रही है बढ़िया से पन्नी की। इधर आए हुए कुछ छोटे बच्चे, ये देखो पतंग उड़ाने निकले, इनकी पतंग मैंने उड़ा के दी, इनकी पतंग मैंने उड़ा के दी थी। हाँ तो मम्मी बुला रहे थे नीचे के टीवी का चैनल चेंज करवाने के लिए, तो मैं जाकर कराया, और इसे बुलाता हूँ तो लाला नीचे आ रहा नीचे से, सही है इसके साथ भी मुझे ले लेते हैं थोड़े बहुत, तो ये रहा नीचे से। तो क्या नीचे कहाँ है, अटक गई है यहाँ पे ऊपर। अच्छा दूर रखे मेरे से। तो यहाँ पे ओ भाई लाला भाई क्या हाल है तेरे, आराम से तो इनकी पतंग कहाँ चलेगी ऊपर, कैसे अटकी, मैंने अटका दिया इसे यार, क्यों मन कर रहा था मेरा, कहाँ टक्की पतंग। तो इसकी पतंग अटक चुकी ऊपर, चढ़ जा ऊपर, चढ़ जा ना, चढ़ जा ऊपर, क्या हुआ और पतंग नहीं है, और पतंग नहीं है, लास्ट बची है, टूट आया क्या। तो इसके पतंग चढ़ गए ऊपर, ये लिया डिश में से, और ये देखो लड़का पतंग चढ़ गया, इसको देख ऐसे चढ़ के लेके खड़ा, तो कैसे उन उसके पतंग में टेप पे लगा के उड़ा रहा है लड़का। और ये लाला भाई कुछ कहना चाहोगे, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं भाई, थोड़ा बहुत भी नहीं कहना चाहोगे, थोड़ा बहुत भी नहीं कहना चाहोगे भाई। तो सबके पतंग उड़ चुके हैं, सारे बच्चे आ गए हैं पतंग उड़ाने के लिए, और हमारी पतंग तो बढ़िया उड़ी रही है ऊपर आसमान में, लगी पड़ी है पन्नी की पतंग है हमारी, तो कागज वाली तो फट गई, तो पन्नी वाली तो उड़ी रही है। दो पन्ने गाँव में बस, हम तो रिटायर के बाद ही घर ही रहना है। अच्छा क्यों यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा क्या,
हाँ अब बताओ भाई कि गांव में कितने लड़के हैं? दो 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 ही दो ही है क्या? दो तीन है। इन आँख नाखून किसने मार दिया? लपेटू क्या लपेटू लपेट जाएगी। लाला कुछ बोल तो ले। क्या बोलो भाई? कुछ बोलने कितने लोग हैं आपके गांव में? दो बंदे हो रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? दो बंदे हैं क्या और कोई नहीं है? तीन चार दो, दो प्रकाश है, हरी है, नरी है, मुखी है। चार हो गए। दो और भी हैं भाई। दो और कौन? सुमलिका भाई। तो कितने हो गए? पांच हो हैं। अच्छा तो भाई चार और दो पांच होते हैं। तो चार और दो पांच। और कोई नहीं गांव में? दादा दादी भी तो होंगे गांव में? दादी दादी है ही नहीं गांव। अम्मा थी मेरी। कहाँ है अम्मा? हाँ अम्मा होती है वो। कहाँ गुजर गई? अरे मैं गांव में शादी में गया था। कहीं किसी शादी में गया था गांव में। अच्छा गर्मी में शादी में गया था। फिर अरे फोटो कम कर रहे हैं बता रहे। तो फोटो से क्या हो गया? तो बता तो सही फिर क्या मतलब और क्या क्या हुआ गांव में? कितने हमारे गांव में तो बहुत है खानदान। ताई ताऊ तो नहीं है मेरे पर। ताई है, ताऊ है और भैया भाभी है वो मेरे हैं बहुत। ताऊ सब हैं, चाचा बहुत है, दादा दादी। तू जाता कम? तू जाता आप ही वीडियो बना रहे हो? तो ये व्लॉग कम जाता ना एक तो है ना कम जाता होगा और क्या। दीपक जाता नहीं? जाता जाते हैं यार हम साल में एक बार चले जाते हैं। एक साल में? और क्या एक साल में एक बार गाँव है। लाला जाता? लाला कोई नहीं जाता। लाला लाला क्यों नहीं जाता कोई? अरे बताऊंगा हाँ ये रास्ते में इसको दस लगते हैं। बता रहा था इसके पिंकू बता रहा था कि रास्ते में परेशान करता है दस लग गए। अरे हम चार बंदे गए थे। चार बंदे रोज गोल गप्पे चाहिए हैं भाई। एक दिन छोड़ के रोज गोल गप्पे। सो गाइस अभी मेरा खाना हो चुका है एंड मैंने चेंज भी कर लिया सोने के लिए और मेरा ब्लॉग भी एडिट हो चुका है। तो आज का ब्लॉग करते हैं पेन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। शादी नहीं करनी भाई? तो ऐसे कैसे चलेगा यार ये बताओ। लालो भाई जब दो भाई जॉब कर रहे हो जब जब भाई हैं दो जब क्या चिंता है कि जो चीज़ बोलूँ वो चीज़ आ जाएगी मेरे घर में।